दुनिया भर की मार्केट्स हो, इकोनॉमीज हो, वहां सब पे सेंटिमेंट का असर होता है और पाकिस्तान में भी सेंटिमेंट का असर हुआ है। अभी आप देखें कि फेडरल रिजर्व ने कोई 50 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट की कमी की और नो डाउट इसका दुनिया में जो है बहुत एक ऐसा इम्पैक्ट आया है कि अब आपके जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर तेजी आई, पाकिस्तान में तेजी आई और इसमें इन्वेस्टर्स अपने वहां से पैसे जो यूएस एसेट्स में लगाए हुए थे, जो आपका जो हाई इंटरेस्ट रेट रिजीम चल रहा था उसकी वजह से पाकिस्तान से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और दूसरी मार्केट से इन्वेस्टमेंट जो वो करेंसीज जो रिस्की करेंसीज थी वहां से यूएसए चली गई और अब इंटरेस्ट रेट कम होने से अब आपको इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि अब इन्वेस्टमेंट यहां पर भी आएगी और आपका हॉट मनी भी आ सकती है क्योंकि आपने देखा है कि टी बिल्स में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के अंदर भी आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, डॉलर आते हैं, तो ये बड़ा एक पॉजिटिव अच्छा काम हो गया पाकिस्तान के लिए। साथ इससे पहले आपने देखा था कि हमारा इन्फ्लेशन जो अराउंड 38% चला गया था वो भी अगस्त के नंबर को 9.6% पे आ गए और उसको देखते हुए बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा मेजर कट की डिमांड कर रहे थे, कोई 6% की बात कर रहे थे, कोई 3% की बात कर रहे थे, लेकिन स्टेट बैंक ने बड़ा मोहतात रवैया भी इख्तियार किया और साथ में एक इंडिकेशन भी दी 200 बेसिस पॉइंट की कमी करके कि आगे जो है मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रेक्शन से अब इजी उसमें जाएगी, एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी होगी, तो जिसका इंपैक्ट आपने मार्केट में देखा, स्टॉक एक्सचेंज में देखा, अब हमारा जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है जो वो बढ़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट होगी। और लेकिन इसमें हमने एक और चीज को भी अब असर देखना है कि जब फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर आपको पता है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है फिर वो मेटल्स में भी जाती है, कमोडिटीज में भी जाती है, क्रूड ऑयल में भी जाती है। हमने अभी हालिया बहुत बड़ी पेट्रोल की कीमतों में कमी की थी लेकिन अब फिर वापस क्रूड ऊपर जाएगा, गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, मेटल की प्राइस बढ़ेगी और कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो इस